दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने दे डाली है भारत को खुली धमकी, बीसीसीआई को ललकारा है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल क्रिक फ्रिक में। दोस्तों रमीज राजा हमें हमेशा एक विवाद भरे बयान में घिरे हुए दिखते हैं और इस बार भी उन्होंने एक विवाद भरा यानी कॉन्ट्रोवर्सियल बयान दे दिया है। तो क्या एक पूरी खबर बताता हूँ मैं आपको। दरअसल एशिया कप 2023 जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान करने वाला था, लेकिन यहाँ पे जब बीसीसीआई के साथ मीटिंग हुई थी आईसीसी की, तो बीसीसीआई ने अपने सिक्योरिटी रीजन के कारण उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, जिसके बाद यहाँ आईसीसी ने फैसला ऐसा किया कि एशिया कप को पाकिस्तान से लेके डायरेक्ट दुबई शिफ्ट करने का। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से एशिया कप जो है दुबई में शिफ्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इस शिफ्ट को रोका है और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान से जाता है एशिया कप अगर दूसरे देश में खेलने के लिए और यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता और भारत नहीं आती है, तो पाकिस्तान जिस देश में एशिया कप होगा वहाँ नहीं खेलने जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रमीज राजा ने एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सियल बयान दे दिया है कि अगर भारत के लिए एशिया कप को पाकिस्तान से शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पे भारत भी पाकिस्तान भी यहाँ पे एशिया कप खेलने नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है रमीज राजा के इस बयान से, आप कितने ज़्यादा सहमत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।